गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज लक्ष्य कमलाकर फ्रॉम सेकंड ए। आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ, उसका नाम है असली खजाना। किसी गांव में एक किसान रहता था, वो बहुत मेहनती था। उसके चार बेटे थे, लेकिन वे बहुत आलसी और कामचोर थे। उन्हें सारा दिन इधर उधर घूमना और समय बर्बाद करना उन्हें पसंद था। किसान उनके बारे में सोच के बहुत दुखी रहता था। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ गया। उसे डर था कि मुझे कुछ हो गया तो उसके बाद उसके बेटों का क्या होगा। एक दिन किसान को एक उपाय सोचा और कहा, उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, अब तक मैंने जितना धन कमाया है मैंने खेत में दबाया है। मेरे मरने के बाद वो निकाल के बांट लेना। बड़े बेटे ने पूछा, मुझे ये आयत नहीं, खेत में कौन से जगह धन दबाया है, तुम खोद डालना। ये कह किसान की मृत्यु हो गई। अगले ही दिन चारों बेटे खेत खोद डाले, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ये देखकर वो बहुत दुखी और निराश हो गए। कि उसी गांव का सरपंच किसान का मित्र था। किसान के बेटों से कहा कि खेत खोद ही डाला है तो अब इसमें बीज भी बो दो। किसान के बेटों ने बीज भी बो दिए। सिंचाई और देखभाल करने के बाद तीन महीने के बाद फसल हराने लगी। ये देखकर बेटे बहुत खुश हो गए और तब सरपंच ने समझाया कि आपके पिता ने इसी खजाने की बात की थी, जितनी मेहनत करोगे उतना ही फसल के रूप में खजाना मिल जाएगा। उन्होंने मेहनत करने का निर्णय लिया। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू।